और दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। आज मैं टीगल लेक जा रहा हूँ जो बर्लिन में फेमस लेक है, काफ़ी खूबसूरत लेक है। वहाँ पे एक टीगल पोर्ट भी है एंड मैं साइकिल से जा रहा हूँ आज। ये है मेरी साइकिल, चलिए देखते हैं कितना देर लगता है। ये करीब 14 किलोमीटर का साइकिल का रास्ता है, मैं साइकिल से ही जा रहा हूँ। चलिए देखें कितनी देर में पहुँचता हूँ। साथ में सिटी का नज़ारा आप लेते रहें, खूबसूरत सिटी का। और ये साइड डबल डेकर बस है यहाँ पे। खूबसूरत खूबसूरत घर यहाँ पे बन रही है, शायद अभी देख सकते हैं आप। काफी खूबसूरत घर है। ये भी शायद घर है, काफी खूबसूरत सा देख सकते हैं आप। यह है साइकिल ट्रैक। साइकिल ट्रैक यहाँ से स्टार्ट हो गया। कहीं कहीं पे साइकिल ट्रैक नहीं है बट साइकिल आप चला सकते हैं। बट आपको वही ट्रैफिक रूल्स जो कार के लिए है वो फॉलो करना होगा आपको। काफ़ी खूबसूरत सा हाउस है यहाँ पे, आप देख लें। काफ़ी हरियाली है, आप किधर भी चले जाएं बर्लिन में काफ़ी हरियाली। वेरी गुड। साइकिल चलाने का मज़ा ही कुछ और है बर्लिन में। आप भी आए तो काफ़ी साइकिल रेंट पे भी ले सकते हैं, आप रेंट पे लेके चला सकते हैं आप उसे। जब तक आप हमारा वीडियो देखकर मज़ा लें बर्लिन का, घर बैठकर मज़ा लें फैमिली के साथ। कोई प्ले ग्राउंड है यहाँ पे, स्कूल है शायद, स्कूल जैसा ही लग रहा है बट पता नहीं, शायद अपार्टमेंट है। जो भी ट्रैक दिख रहा है यहाँ से आप साइकिल क्रॉस कर सकते हैं, जो भी रोड में रोड क्रॉस जहाँ पे करना है आपको। कोई रेस्टोरेंट है शायद यहाँ पे। और ये ट्रैक घर ही है, काफ़ी खूबसूरत है ये घर के डिज़ाइन, काफ़ी अच्छे हैं, खूबसूरत है। ये यहाँ पे शायद अपार्टमेंट स्टार्ट हो गया है। अपार्टमेंट भी काफ़ी खूबसूरत अपार्टमेंट है, छोटी छोटी अपार्टमेंट है बट खूबसूरत है। अभी और 2 किलोमीटर का रास्ता बचा है। जब तक आप नज़ारा लें बर्लिन का, बर्लिन के सिटी का नज़ारा लें। ये साइकिल ट्रैक, इस पे अब हम साइकिल को रखें हमेशा। ये है पब्लिक ट्रैक, कहीं कहीं फुटपाथ पे या पब्लिक जहाँ पे चलने के लिए रास्ता, वहाँ पे साइकिल चलाना अलाउ नहीं है, उसका ख्याल रखें आप। साइकिल ट्रैक हमेशा रेड कलर का ही रहता है बट यहाँ पे शायद कलर फूट गया है, जनरली वो पेंट कर देते हैं या फिर साइकिल का मार्क बना रहता है। अगर साइकिल ट्रैक नहीं है तो आप मेन रोड पे चला सकते हैं बट ध्यान रखें, सेफ्टी एंड रूल्स का ध्यान रखें।
अभी कुछ पुराने हाउसेस काफ़ी पुराने लग रहे हैं डिज़ाइन से, और इसके बिल्डिंग का कंडीशन देख क्या बता सकते हैं काफ़ी पुराने हैं वो। ये लिडिल वॉलमार्ट का शॉप है, यहाँ पे सिंबल है, यहाँ पे हर तरह की चीज़ की आप शॉपिंग कर सकते हैं, ग्रॉसरी है प्लस जनरल प्रोडक्ट्स है, स्विच प्रोडक्ट है। यहाँ पे कुछ अपार्टमेंट्स या फिर छोटे छोटे फ्लैट्स बने में, काफ़ी सुकून सा वेदर है, प्लस हरियाली देखिए जब सा सुकून आता है। जॉगिंग के लिए आ जाएं, साइकिलिंग के लिए आ जाएं, मज़ा ही मज़ा है। मैं कभी भी आ जाएं, दिन में आ जाएं, रात में आ जाएं, प्लस 24 आवर्स आप साइकिल राइड कर सकते हैं यहाँ पे, प्लस सेफ्टी, यू आर सेफ, बट आपको अपना थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा सेफ्टी का, बाकी तो ये देखिए यहाँ पे रेड सिग्नल है, तो यहाँ पे आप क्रॉस नहीं कर सकते। ये जो छोटी सिग्नल दिख रही है ना राइट साइड में, साइकिल का सिंबल बना हुआ है, देखिए। टाइगर लेक में पहुँचने ही वाला हूँ, यहाँ पे एक पोर्ट भी है, बस वीडियो में बने रहे हैं आप और टाइगर लेक का मज़ा लें। ये काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत घर, यहाँ घर देख कर तो हमारा दिल चाहता है कि घर ही बना लूँ यहाँ पे, बट काफ़ी एक्सपेंसिव है, लैंड प्लस घर मैनुफैक्चरिंग काफ़ी एक्सपेंसिव है। क्लीन सा सिटी है, ये बीच में एक लेक बनी हुई है, काफ़ी खूबसूरत है, दोनों साइड से घर वगैरह आप देख सकते हैं, क्वार्टर्स, रहने का मज़ा ही कुछ और आता होगा। चलिए मैं साइकिलिंग पे आपको पूरा लेक का मज़ा देता हूँ। वहाँ पे प्राइवेट बोट्स वगैरह भी हैं, आप कर सकते हैं बोटिंग, सबसे खूबसूरत हाउस रियली सो ब्यूटीफुल। देख रहे हैं यहाँ लेक के साइड में घर है, सबके अपने प्राइवेट प्राइवेट बंगले हैं और सबका प्राइवेट बोट है अपना, देख रहे हैं, पैसे वाले लोग लगते हैं भाई। सबका प्राइवेट बोट है अपना, सोलिंग के अपने प्राइवेट बोट है यहाँ पे। आई विश हमारा भी एक घर यहाँ पे होता विद बोट, आई कैन राइड समवेयर। ऐसे होंगे तो खरीदूंगा एक घर यहाँ पे,
ये है ब्रिज लेक के बीच में। काफी पैसे वाले लोग रह रहे हैं लगते। यहाँ पे शिप्स वगैरह लगे हैं, आपको प्राइवेट बोटिंग और करना कर सकते हैं। कुछ जो आइलैंड्स वगैरह पे शायद ले जाते हैं रेंट पे लेके, आप प्राइवेट बोटिंग कर सकते हैं। सब बोट है यहाँ प्राइवेट, बहुत सारे लोगों के प्राइवेट बोट है अपने। यहाँ पर रेंट पे भी लेकर प्राइवेट बोटिंग कर सकते हैं। लेक में तो खूबसूरत सा लेक, चलिए पूरे चारों तरफ लेक के चलता हूँ साइकिलिंग करते हुए। मैं भी मज़ा ले रहा हूँ, आप भी मज़ा लीजिए थोड़ा। ये छोटे छोटे बोट या फिर कायाकिंग, दो लोग बैठ कर अपना बोटिंग वगैरह कर सकते हैं रेंट पे लेकर। तो बोट है यहाँ पे, कुछ गवर्नमेंट की बोट भी है जहाँ से आप नॉर्मल जो टिकट होती है बस या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, उससे आप जा सकते हैं। ये है शायद ये हमारा पार्क है लेक के बगल में। काफ़ी बड़ी लेक है, आप राइड कर सकते हैं यहाँ तक। ये बत्तख डक वगैरह स्विम कर रहे हैं, यहाँ स्विम भी कर सकते हैं। स्विम के लिए शायद कोई अलग सा एरिया है, या वहाँ स्विम कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा वेदर है अभी। ये है पार्क्स या फिर जॉगिंग वगैरह कर सकते, जॉगिंग ट्रैक है ये, साइकिलिंग कर सकते हैं, फिर स्विमिंग भी कर सकते हैं। बट यहाँ अलग सा कोई एरिया बना हुआ शायद। बीच में ब्रिज है, उधर कुछ क्रेन्स वगैरह है। ये यहाँ से आप इसका नज़ारा देख सकते हैं सन का। ये है साइकिल ट्रैक्स वगैरह, लोग साइकिलिंग भी कर रहे हैं। तो चलिए हम भी चलते हैं अंदर तक, वहाँ भी आते हैं देखते हैं। मुझे लेक की तरफ जाना चाहिए नीचे, कोई बात नहीं, मैं ऊपर आ गया, आगे से मेरे को मालूम है। काफी अच्छा जगह साइकिलिंग और जॉगिंग के लिए, मजा आ गया। लेकिन देख के सुकून मिलती है हमें,
भी कर रहे हैं, साइकिल भी चला रहे हैं और हम भी साथ में साइकिल चला रहे हैं। वापस चलते हैं अब घर की तरफ। काफी मजा आ गया साइकिल चला कर यहाँ पे। कुछ घर बन गए हैं, कुछ घर बन रहे हैं। काफी खूबसूरत जगह है। काफी खूबसूरत सा बिल्डिंग है यहाँ पे, देख रंग बिरंगे ऑरेंज पिंक येलो। होटल जैसा लग रहा है कुछ, तो पता नहीं हो सकता है होटल हो या फिर इस वाइज। ये यहाँ पे गार्डन है, अपने अपने प्राइवेट गार्डन है सबके। ये कुछ ड्रेनेज जैसा है, बड़ी क्लीन वाटर है। काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत गार्डन है। ये आपका लेक टाइप का है, कुछ लेक नहीं है मतलब, क्लीन वाटर का ड्रेनेज है। आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी मज़ा आ रहा है साइकिल चलाने में। यहाँ पे जो मज़ा है, फ्रेश हरियाली हर चीज़ का मज़ा है यहाँ पे। गार्डन्स हैं सबके अपने अपने।